नमस्कार दोस्तों लैंड लॉस के लेक्चर नंबर पाँच में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 का इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस इसको स्टडी करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विथ यूनिटरी वैल्यूज और इसीलिए हमारा जो गवर्नमेंट है उसको सेंटर और स्टेट इन दोनों में डिवाइड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये तीन लिस्ट के अंदर है स्टेट लिस्ट सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स उनकी लिस्ट दी गई है तो उस हिसाब से लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी जमीन है उनका सबसे पहला हक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रहेगा तो इंडियन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी पब्लिक पर्पजेस के लिए लैंड का इस्तेमाल करता रहता है फॉर एग्जाम्पल कोई हाईवे बनाना डैम बनाना पब्लिक पार्क बनाना पब्लिक लाइब्रेरीज बनाना इन चीजों को हम लोग कहते हैं यूज ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस ये बैकग्राउंड को आप ध्यान में रखना और अभी हम लोग देखते हैं एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस लैंड लॉस के मेरे पिछले लेक्चर में मैंने ये कॉमन इंट्रोडक्शन दिया था इसको आप स्क्रीनशॉट ले, ले लेना और अपने आंसर में जरूर इनकॉर्पोरेट कर देना इसके बाद में एक्विजेशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक परपज सेक्शन 125 से लेके 128 ऑफ द महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 इसके अंदर दिया है सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे पब्लिक पर्पज का मतलब क्या है पब्लिक पर्पज मीन्स एनी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक एट लार्ज अभी महाराष्ट्र के अंदर समृद्धि महामार्ग का काम चल रहा है नाणार का जो रिफाइनरी है उसके लिए भी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है ये इवेंचुअली जॉब क्रिएशन करेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देंगे इसी के साथ में आप जहाँ पर भी रहते हैं चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो चाहे वो नगर परिषद हो ग्राम पंचायत हो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रहती है फॉर एग्जाम्पल म्यूनसिपल पार्क स्विमिंग पूल ये रहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशनस के अंदर या फिर और कई चीज़ें जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बनाता है फॉर पब्लिक पर्पजेस गवर्नमेंट का एम क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक है उसका भला होता रहे इफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अर्बन लोकल बॉडी रिक्वायर्स एनी लैंड फॉर पब्लिक पर्पस, इट विल डेजिग्नेट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एज रिजर्व फॉर पब्लिक पर्पज इन द मास्टर प्लान ऑफ द सिटी अभी आप जहां पर भी रहते हैं किसी भी अर्बन लोकल बॉडी अर्बन लोकल बॉडी को कहते हैं स्थानिक स्वराज्य संस्था या फिर पंचायती राज तो चाहे वो ग्राम पंचायत होगी नगर परिषद होगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी हर एक अर्बन लोकल बॉडी का एक मास्टर प्लान है इसके अंदर दिया जाता है कि कौन कौन सी लैंड कौन कौन से पर्पजेस के लिए इस्तेमाल की गई है कौन सी प्राइवेट ज़मीन है कौन सी सरकारी ज़मीन है और इस चीज़ को हर एक सिटीजन को पता होना ज़रूरी है तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी लैंड पब्लिक पर्पजेज़ के लिए चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को अपने शहर के मास्टर प्लान के अंदर ऐसा नोटिफाई कर देगा कि दिस पर्टिकुलर लैंड इज रिजर्व फॉर पब्लिक पर्पस। आप सभी ने सुना होगा कि एक जमीन आरक्षण के ऊपर बनी हुई है यानी उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर पब्लिक पार्क या फिर पब्लिक हॉस्पिटल बनने वाला है तो इसे हम लोग कहेंगे रिजर्व फॉर पब्लिक पर्पस देयर आफ्ट द गवर्नमेंट विल इनिशियट द प्रोसीजर ऑफ लैंड एक्विजीशन फॉर पब्लिक परपज लैंड एक्विजेशन का सबसे पुराना एक्ट है लैंड एक्विजेशन एक्ट एटीन नाइनटी फोर अभी इसके बाद में टू थाउजेंड थर्टीन का लैंड एक्विजेशन एक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया है उसको हम लोग आगे चल के कवर करेंगे सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑफ द एम आर टी पी एक्ट ये कहता है एनी लैंड रिक्वायर्ड रिजर्व और डेजिग्नेटेड इन ए रीजनल प्लान डेवलपमेंट प्लान और टाउन प्लानिंग स्कीम फॉर अ पब्लिक पर्पज शैल डीम टू बी अ लैंड नीडेड फॉर पब्लिक पर्पज विद इन द मीनिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 यानी yani, जमीन अधिग्रहण अधिनियम अठारह इसके अंदर पब्लिक पर्पजेस के लिए एक्ट को मतलब जमीन को अधिग्रहण करने की यानी एक्वायर करने की प्रोसीजर जो है वही सेम प्रोसीजर एमआरटीपी एक्ट भी इस्तेमाल करेगा और रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस का लैंड एक्विजिशन एक्ट एटीन के अंदर जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम एम एक्ट के अंदर भी रहेगा वन ट्वेंटी वेयर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अ ड्राफ्ट रीजनल प्लान एनी लैंड इज रिक्वायर्ड और रिजर्व फॉर एनी पब्लिक परपज द प्लानिंग अथॉरिटी में एक्वायर द लैंड बाई एग्रीमेंट बाई पेंग एन अमाउंट एग्रीड टू और बाय ग्रांटिंग द लैंड ओनर फ्लोर स्पेस इंडेक्स और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट अगेंस्ट द एरिया ऑफ लैंड सरेंडर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ ऑल इनकुमसेस फ्रॉम पेइंग द लेसर और आफ्टर पेइंग द लेसर अमाउंट टू ले सी इफ द प्रॉपर्टी इज ऑन लीज तो 126 थोड़ा ट्रिकी वर्डिंग है लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है सेक्शन ये यह ये कहता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर अर्बन लोकल बॉडी को एक जमीन की जरूरत है पब्लिक परपजेस के लिए तो वो इन तीन तरीकों से जमीन को एक्वायर कर सकते हैं अगर जमीन मालिकाना हक की है तो वो दो तरीकों से एक्वायर कर सकते हैं सबसे पहले अगर जमीन के मालिक को कैश दिया जाए उसकी जमीन का जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से एक एग्रीमेंट बना के उसे रजिस्टर करके वो पैसा दिया जाए ये पहला तरीका या फिर उस जमीन के मालिक को एफ या फिर टी दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ ऑल एनकम्प्रसेस उस टी को वो ज़मीन का मालिक कई और इस्तेमाल कर सकता है ऐसे जो एफ और टी है वो जनरली बिल्डर लोग ले लेते हैं यानी जो कंस्ट्रक्शन व्यवसायिक है वो इन एफ एस आई और टी डी आर को ले लेते हैं और अपनी दूसरी जगहों पर उनकी जो बिल्डिंग्स चल रही है जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहाँ पर उस एफ एस आई और टी डी आर का इस्तेमाल करके और ज़्यादा माले चढ़ा सकते हैं यानी और ज़्यादा फ्लोरस वो बढ़ा सकते हैं इसी हिसाब से एफ एस आई और टी डी आर स्टेट गवर्नमेंट देता है इससे स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा बचता है और बिल्डर को भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो फ्लोर्स है यानी जो माले हैं उन्हें चढ़ाने में आसानी हो जाती है या फिर अगर जमीन लीज के ऊपर होगी तो जो लेसर है यानी जमीन का जो मालिक है उसको उसकी लीज की अमाउंट देकर जो भाड़ोत्री है उसे वहां से रफा दफा किया जाता है और उसके बाद में जो जमीन का मालिक है यानी जिसने लीज पे दिया था उसको ऊपर के दो तरीकों से पैसा दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट यह कहता है सेक्शन वन अभी सेक्शन वन का आगे का क्या कहता है अगर इन दो तरीकों से कोई भी जमीन का मालिक नहीं मानता तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख सकती है कि इस पर्टिकुलर लैंड को अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर ऐसा डेजिग्नेट कर दो कि ये लैंड पब्लिक पर्पजेस के लिए रिक्वायर्ड है इसके बाद में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर देगा मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ समृद्धि महामार्ग के अंदर जो भी ज़मीनें हैं कई लोगों ने बेच दी कई लोगों ने टी ले लिया लेकिन जो लोग हटने को तैयार नहीं थे उनकी जमीनों को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि उस पर्टिकुलर अर्बन लोकल बॉडी के मास्टर प्लान के हिसाब से ये जमीन पब्लिक पर्पजेस के लिए रिजर्व है इसके बाद में लैंड एक्विजिशन का अगला प्रोसेस चालू होगा वो अगला प्रोसेस क्या है मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूं। सबसे पहले जो स्टेट मंजूर है, है।, है, है।, मतलब है, है।, है, है, है तो लेके जाओ नहीं तो सिविल कोर्ट के अंदर इसके ऊपर चलेगा तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने आपको प्रोसीजर बताया तो वन सी का यही मतलब है अभी 126 का सेक्शन टू क्या कहता है लैंड एज रिजर्व फॉर पब्लिक इन दैजेट तो वन ट्वेंटी सिक्स सी ये कहता है कि अगर वो जमीन का मालिक नहीं माना तो वहां का जो भी गवर्नमेंट है यानी अर्बन लोकल बॉडी है वो स्टेट गवर्नमेंट को अर्जी लिख के भेजेगा और 126 का पार्ट टू ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गया तो ऑफिशियल गैजेट के अंदर उस पर्टिकुलर लैंड को रिजर्व फॉर पब्लिक परपज ऐसा करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑन पब्लिकेशन ऑफ अ डिक्लेरेशन अंडर सेड सेक्शन द कलेक्टर शैल प्रोसीड टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द लैंड एक्विजिशन ऑफ द सेट डेजिग्नेटेड लैंड एंड प्रोविजन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट शैल अप्लाई ऑन द प्रोसीजर टू एक्वायर लैंड मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने कलेक्टर को भेजेगा वो अर्जी देगा अगर वो जमीन का मालिक माना तो ठीक है पैसे लिए तो ठीक है नहीं तो वो लैंड लिटिगेशन के अंदर चली जाएगी ये कहता है 126 अभी हम लोग 127 को देखते हैं इफ़ एनी लैंड रिजर्वड अलॉटेड और डेजिग्नेटेड फॉर एनी पर्पस स्पेसिफाइड इन एनी प्लान अंडर दिस एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एग्रीमेंट विद इन टेन ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच Final regional plan or final development plan, or if a declaration under subsection 2 or 4 of section 126 is not published in the official gazette within such period, the owner or any person interested in the land may serve notice along with the documents showing his title or interest in the said land. On the planning authority and then wait for another 12 months, the reservation allotment or designation shall deem to have been expired, and thereupon the land shall be deemed to be released from such reservation allotment or designated, and shall become available to the owner for the purpose of development. बहुत ही लंबा चौड़ा सेक्शन है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक ज़मीन को 10 साल तक गवर्नमेंट ने यूज़ नहीं किया एक जमीन जो कि पब्लिक पर्पजेस के लिए रिजर्व है उसे 10 साल तक इस्तेमाल नहीं किया तो जिस इंसान की वो जमीन है जिसका राइट टाइटल और इंटरेस्ट उस जमीन के ऊपर है वो अपने लैंड रिकॉर्ड्स के जो डि, डि, डिटेल्स हैं उन्हें उस पर्टिकुलर प्लानिंग अथॉरिटी को या फिर अर्बन लोकल बॉडी को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेज कर ये कह सकता है कि जो भी यूज करना है 12 महीने के अंदर यूज करो मैं और 12 महीने तक रुकूंगा एज अ लिमिटेशन पीरियड और अगर बारह महीने के बाद भी उस जमीन का पब्लिक पर्पजेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो, वो रिजर्वेशन हट जाएगा मतलब इमेजिन करिए आपकी जमीन जिसके आप ओनर हो उसे एक पब्लिक पर्पज के लिए डेजिग्नेट कर दिया यानी आपकी जमीन के ऊपर एक पब्लिक हॉस्पिटल बनेगा लेकिन 10 साल तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ तो आप अपने ज़मीन के सारे कागज़ अगर आप शहर में रहते हैं तो म्यूनिसपल कॉरपोरेशन को गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत को या फिर किसी और जगह पर रहते हैं तो वहां की अर्बन लोकल बॉडी को लिख कर भेज सकते हैं कि जो भी करना है कर दो 12 महीने के अंदर नहीं तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये लिख के भेज दूंगा यानी दस साल और बारह महीने के बाद अगर वो लैंड यूज़ नहीं हुई फॉर द पब्लिक पर्पस तो वो रिजर्वेशन उस जमीन के ऊपर से हट जाएगा 128. 1894. यानी अगर state government को अपने official purposes के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की अपनी अलग प्रोसीजर से उसे, यानी उस जमीन को acquire कर सकते हैं सो फॉर टू लेक्चर थैंक यू सो मच Please like, share and subscribe to my channel.